रेवाड़ी के गांव बैरियावास में बड़ा हादसा। टीवी केबल ठीक करने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़े युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत। हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से हुआ हादसा। पुलिस ने सब कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा। नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। जिले के गांव बैरियावास में एक युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब वह बिजली के पोल पर केबल ठीक करने के लिए चढ़ा था, तभी हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आ गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। कसोला थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के मुताबिक जिले के गांव बैरियावास का रहने वाला 18 वर्षीय केबल ऑपरेटर शनिवार को केबल ठीक करने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था। इसी दौरान वह वहां से गुजर रही हाई टेंशन तारों की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। परिजन उसको लेकर शहर के अस्पताल भी गए, लेकिन वहां पर उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सामान्य कार्रवाई करते हुए सब परिजनों को सौंप दिया है। बता दें कि यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश सरकार की ओर से भी लगातार कॉलोनियों के ऊपर से जा रहे हाई टेंशन तारों को हटाने का दावा किया है, लेकिन आज तक इस पर कोई भी कार्रवाई होती नहीं दिखी, जिसके चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। रेवाड़ी शहर में भी अनेक स्थानों पर इस तरह के हादसे हो चुके हैं।